अब इस तरह के सवाल को कैसे हल करेंगे, देखिए जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी उसके ऊपर इसको पहले हम लोग हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 14.2 को हल करेंगे जो कि बिहार बोर्ड क्लास 8 की मैथ से है। ठीक है, इसके सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, एक एक प्रश्न को देखेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और उस तरीके के प्रश्न को आप आसानी से उस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इसकी पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीजीय व्यंजक को गुणनखंड करते हैं आइडेंटिटी का प्रयोग करके, यानी कि सर्वसमिका का प्रयोग करके कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंडन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो अभी आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करें और देख लें ताकि आपको ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ एक्सरसाइज, ये और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं शुरू करने से पहले कि आप अगर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो घंटी का है बटन बेल आइकन उसको भी आप प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हो उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो आप वीडियो को आसानी से देख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर है 1 + 2x + x2। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपको देखने को मिलता है आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, पहले ये जो x का जो चर का जो घात होता है यानी कि जो वेरिएबल है उसका जब जो पावर है उसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा पावर, उसके बाद उससे छोटा पावर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x + 1। अब इसको हम लोग दो तरीके से हल कर सकते हैं जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी। क्या कर सकते हैं इसमें, हम देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो हम लोग इसका स्क्वायरिंग का जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी उसके ऊपर इसको पहले हम लोग सेट करेंगे। तो देखिए x का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 × x × 1 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 और x प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² तो ये हो गया हमारा x प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रश्न को हल कर लिया। ठीक है, दूसरा तरीका भी इसका था, अगर हम लोग इसको इस तरीके से हल करते, जैसे ये हमारा दिया गया प्रश्न, इसको आप देखिए, इसको मैं दूसरे तरीके से हल करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको इसको हम लोग जो मैंने आपको पहले आइडेंटिटी बताई थी उसमें मैंने बताया था कि कोई कैसा नंबर आपको चूज करना है, दो नंबर जिसको गुना करने पर एक आ जाए और जिसको जोड़ने के ऊपर दो आ जाए, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 + 1, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, 1 × 1, यहाँ पर x लिख दीजिएगा। ठीक है, x, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 1, तो ये फिर आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर। दूसरा एक और मेथड इसका क्या है, वो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1, तो इसको हम लोग कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, यही मेथड है वो। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से, एक्स प्लस एक्स यानी कि 1x + 1x + 1, यानी कि एक्स, अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन आ गया तो एक्स प्लस 1 और यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस 1, अब इसमें और इसमें देखिए तो एक्स प्लस 1 कॉमन आ गया तो ये हो गया एक्स प्लस 1, यहाँ पर हो गया एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं इन एक ही प्रश्न को मैंने दो तरीके से, तीन तरीके से मैंने आपको हल करके दिखाया। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से मैं आपको हल करके सारे प्रश्नों को दिखाऊंगा। जो फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम है, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को, इसको हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यानी कि ये हो गया ए बी का स्क्वायर। ठीक है,
और ये आपका 9c स्क्वायर है, तो इसको आप कर सकते हैं 3c का स्क्वायर। देखिए a और b मिल गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि बीच वाला पोर्शन आपको क्या करना है, 2ab में करना है, तो 2 तो लिखना ही पड़ेगा आपको, प्लस 2 लिख दिया। अब इन टू, अब a में क्या लिखेंगे, तो a में तो हमारा ab हो जाएगा, ठीक है, और b की जगह क्या लेगा, 3c लेगा, 3c। लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर प्लस नहीं माइनस है, तो माइनस है इसका मतलब यहाँ पर माइनस लगेगा, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें माइनस लगा देंगे, ठीक है, माइनस लगा दिया। अब ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी एस, 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया ab प्लस माइनस 3c का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर। तो क्या हो गया, ab प्लस माइनस और ये हो गया 3c का स्क्वायर, जो कि आप इसको लिख सकते हैं ab माइनस 3c और ab माइनस 3c, ये हो गया आपका आंसर। ये भी आप लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं तीसरा, देखते हैं क्या है। देखिए तीसरा में क्या है, तीसरा में कहता है 1 माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके कर सकते हैं, लेकिन आपको आसान क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर कर सकते हैं और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तो है, तो आपके पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद है, वो यहाँ पर लिख दीजिए, क्या होता है ए माइ प्लस बी, तो ए प्लस बी और एक होता है a माइनस बी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसको कर दीजिए 1 प्लस a माइनस बी और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस a प्लस बी, ये हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 16 का लिखेंगे 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर गुने a माइनस बी का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 a माइनस बी का स्क्वायर, ये होल में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रहे, और ये 3 a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a पूरे टर्म को मान लेंगे और यहाँ b पूरे टर्म को मान लेंगे, कितना हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 a माइनस 4b का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3a प्लस 3b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो लिख लीजिए a माइनस b या प्लस b कुछ भी लिख लीजिए, प्लस b a प्लस b, a प्लस b और a माइनस b, तो माइनस में क्या हो जाएगा माइनस 3a और माइनस 3b हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 4a और 3a कितना हो गया 7a, माइनस 4b प्लस 3b माइनस b हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a माइनस 3a a हो गया, माइनस 4b माइनस 3b कितना हो गया माइनस 7b, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इस तरह के सवालों को कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग वही प्रोसेस करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायरिंग का प्रोसेस करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है, यानी कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, यहाँ पर प्लस कीजिए, ठीक है, माइनस हम लोग बी वाले टर्म में कर देंगे, यहाँ पर क्या करना है आपको एक्स प्लस वाई लिखिए, उसका बी वाले जगह पर क्या कीजिएगा, देखिए ये 5 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना आपको, फिर से वही चीज़ मैं बताऊँगा कि चूंकि यहाँ पर माइनस है तो इसमें माइनस लग जाएगा, जो हमारा बी है तो बी में यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। अब फिर से हमारा वही फॉर्म बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी, बी कौन है हमारा माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया एक्स प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं आप एक्स प्लस वाई माइनस 5, एक्स प्लस वाई माइनस 5, ये हो गया इसका आंसर।
एफ में क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है माइनस फोर ए बी, अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी कितना हो, फोर ए बी कितना हो गया माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। ये तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला ही बन गया, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको नहीं है तो फिर से ये वाला प्रोसेस आप करिएगा तो सेम आपका आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। जी में क्या है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई माइनस फोर, हम लोग क्या करेंगे इसको एक साथ कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर बराबर फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग से फैक्टराइज करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं टू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, टू एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए वाई वाई का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस टू इंटू वाई इंटू माइनस टू लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो टू टू सा फोर माइनस है तो माइनस हो गया और वाई, ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस टू का स्क्वायर, ये हो गया आपका। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना, और प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको y, ठीक है, y प्लस माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, इसको आप इसमें कर्ली ब्रैकेट कर दीजिए इसको, ठीक है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट कर दीजिए, कितना हो गया 2x का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया y माइनस टू का स्क्वायर। अब ये हमारा क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग क्या करते हैं एच प्रॉब्लम बनाते हैं, तो देखिए अब अगला जो प्रश्न है एच उसमें क्या कहता है, एच आई जे तीनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। देखिए एच का क्या हो जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई फोर है, तो ये हो गया थ्री एक्स का होल स्क्वायर माइनस एन बाई टू का स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया थ्री एक्स प्लस एन बाई टू और थ्री एक्स माइनस एन बाई टू, ये हो गया आपका आंसर। इसको कैसे करेंगे, देखिए ए स्क्वायर ए प्लस थ्री है यानी कि ए और थ्री ऐड हो जाएगा तो कितना बन गया फोर ए प्लस फोर, फिर से इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे ए का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू टू, ठीक है, प्लस टू का स्क्वायर कितना हो गया ए प्लस टू का स्क्वायर यानी कि ये हो गया ए प्लस टू और यहाँ हो गया ए प्लस टू, ये हो गया आंसर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फिर से वैसे ही आपको मैंने बताया था कि कुछ ये जो एट है हमारा लास्ट में इसको इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, इस तरीके से गुणनखंड करेंगे इसका, ताकि हमारा जो दो नंबर आता है वो दोनों को जोड़ के हम लोग सिक्स यानी कि बीच वाले टर्म को ला सकते हैं, ठीक है, कॉफिशियंट को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू एक्स प्लस फोर इंटू टू, ए प्लस बी हो गया यहाँ पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स प्लस ए और x प्लस बी, ये हो गया आंसर। अब j हो गया, k में क्या कहता है y स्क्वायर माइनस तेरह वाई प्लस थर्टी कितना हो गया y का स्क्वायर, यहाँ पर कर दीजिए इसको y का स्क्वायर माइनस इसको कर सकते हैं आप दस माइनस दस, ठीक है, यहाँ पर इसको कर दीजिए दस माइनस दस, इसको प्लस में कर दीजिए माइनस दस माइनस तीन वाई प्लस माइनस दस और माइनस तीन, तो ये कितना हो गया ए बी, ए कितना हो गया माइनस दस, बी कितना हो गया माइनस तीन, तो फिर से हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा वाई प्लस आएगा माइनस दस यानी कि माइनस दस हो गया और वाई माइनस तीन, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एल क्या कहता है, एल कहता है एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस ट्वेंटी टू, सेम वैसा ही प्रोसेस, आपको पता है कि कोई भी दो नंबर हमें ऐसा पता करना है जो इसका गुना करने पर ये आ जाए और जोड़ने पर ये आ जाए, तो यहाँ पर माइनस बाईस आया
माइनस 22 को हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे कि हमें 9 भी आ जाए। तो देखिए अगर हम लोग 2 गुने 11 करते हैं तब तो 22 आएगा, लेकिन माइनस 22 लाने के लिए किसी एक में माइनस लगाना होगा। मान लीजिए इसमें 11 में माइनस लगा देंगे, ठीक है, या फिर मान लीजिए माइनस 2 में लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या है कि इन दोनों को जोड़ के मुझे प्लस 9 लाना है। तो अगर देखिए हम लोग इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा प्लस 9 आ जाएगा, इस दोनों को जोड़ने पर प्लस 9 नहीं माइनस 9 आ जाएगा। तो हम लोग इस वाले टर्म को ले लेंगे, इस वाला ये वाला ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 11 माइनस 2 एक्स माइनस 11 गुने 2। तो ए बी, ए बी हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक्स प्लस 11 और एक्स माइनस 2, यानी कि ए प्लस बी और ए सॉरी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो प्लस बी कितना है माइनस 2, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे ना एक्स प्लस माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से जो हमारा पहला प्रश्न था वो हल हो चुका है। अगली वीडियो में हम लोग आगे के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो अगली वीडियो में हम लोग जो इसके बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम लोग हल करेंगे। तो अगर वीडियो में आपको कुछ दिक्कत है, कहीं पे कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरे पेज को लाइक करके, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट है कि जाते जाते कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।